नमस्कार दोस्तों, यूएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सीजीटीटी 2019 के बाल विकास के संभावित आंसर बताने वाला हूँ। ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो पूरी तरह पूर्णतः सत्य नहीं बोल सकता, बट संभावित आंसर कह सकते हैं। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि। तो इसका आंसर रहेगा 85 मीन्स मंद बुद्धि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? कृपांक देकर, पुनः परीक्षा का आयोजन करके, कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके, पालकों की व्यक्तिगत अध्यापन की व्यवस्था करने को कहकर। तो इसका आंसर आएगा कठिन अवधारणाओं को पुनः अध्यापन करके। एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसके वो योग्य है, उसे हम कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे पिछड़ा बालक। यदि बालक में अधिकम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? विटमेयर का साइको एजुकेशन प्रोग्राम, द प्रैग्मेटिक जनरल डायग्नोस्टिक रेमेडियल अप्रोच, और स्ट्रास लैटिन क्रिकसेंग पर सेक्सुअल मोटर प्रोग्राम, कोई भी नहीं। इसका आंसर आएगा दोस्तों स्ट्रास लैटिन क्रेक्सेंग पर सेक्चुअल मोटर प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक विकास के पक्ष संवेग, बुद्धि, भाषा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर कहता है घोड़ा, यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में हम किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? समावेशीकरण, समायोजन, संरक्षण, क्रमिकता। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों समायोजन। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, संवेगात्मक। एक बार और देखिएगा क्वेश्चन, एक बार और रिपीट करते हैं। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व में किस पक्ष से संबंधित है? मानसिक नहीं है, शारीरिक भी नहीं है, चारित्रिक नहीं है, ये संवेगात्मक है। तो आंसर आएगा दोस्तों संवेगात्मक। NCERT 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, शिक्षक की भूमिका अनुज्ञात्मक, प्रामाणिक, सरल। इसका आंसर रहेगा सरल। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहुर्मुखी, उभयमुखी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है? चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, सामाजिक रूप से समायोजित, एंड और लास्ट वाला डी, झूठ बोलना। तो समस्यात्मक बालक में आप देख सकते हैं झूठ बोलता है ना। सामाजिक रूप से समायोजित, झूठ बोलना भी समस्यात्मक बालक के में आता है ना। तो ये झूठ बोलना आंसर नहीं रहेगा इसका, सामाजिक रूप से समायोजित, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? अनुशासन द्वारा, प्रश्न पूछकर, जिज्ञासा जगाकर, कहानी लेखन द्वारा? जिज्ञासा जगाकर। बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है, बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है, इसके लिए थोड़ा सा डाउटफुल है, बट इसका आंसर सर्व शिक्षा अभियान लिया गया है। ठीक है, किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है, यह कथन है, यह कथन है किलपैट्रिक का। एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यानी निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है? संगणात्मक, जैविक, सामाजिक, संवेगात्मक एंड विश्लेषणात्मक। ये इसका आंसर रहेगा इसका सामाजिक संवेगात्मक, सॉरी दोस्तों इसका आंसर सी नहीं डी होगा, विश्लेषणात्मक।
क्योंकि इसमें कहा गया है एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? शिक्षक की भूमिका के संबंध में देखते हैं, शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, शिक्षक को अच्छे विद्यार्थी का पक्ष लेना चाहिए, शिक्षक का विद्यार्थी के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, शिक्षक को विद्यार्थी। तो ये सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो शिक्षक को होता है वो मित्रवत दृष्टिकोण का होना चाहिए। अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समय की बर्बादी, अकादमिक कार्यों में बहुत सा समय ले लेना, फुर्सत अथवा विश्राम के लिए समय देना, व्यक्ति विशेष से समन्वित विकास हेतु आवश्यक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक। लेकिन प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रिया, उपरोक्त सभी। इसका आंसर उपरोक्त सभी। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं रुचि, अभिप्रेरणा, उपलब्धि, सीखना। तो इसे हम कहते हैं सीखना। जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे अधिकम अधिकम मीन्स होता है सीखना। बालक में मानसिक मंदन की वजह से यह हो सकता है। गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप, या उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी है, क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट बताया गया है ये तीनों एक ही ये में बनाया बताया गया है। गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, या माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, या जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप। तो ये मानसिक बंधन के तीनों जो है वो कारण है। तो उपरोक्त सभी का आंसर होगा। पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि जो बच्चा होता है वो मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादातर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही वो होते हैं, तार्किक वो करते हैं, ज़्यादा तार्किक होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्यचर्य की रूपरेखा अस्तित्व में आई, ये आए थे 2005। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? इसके लिए प्रयुक्त की जाती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है? कौन सी व्यूह रचना, प्रयोजना, अन्वेषण या खोज करना? तो प्रोजेक्ट जो होता है, ह्यूरिस्टिक जो मेथड जो होता है, ये भी, और ये खोज विधि भी होता है। ये तीनों क्या है? व्यूहरचना या समस्या केंद्रित, व्यूहरचना समस्या केंद्रित है। तो इसका आंसर आएगा प्रोक्त सभी। एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है आस पड़ोस, परिवार, खेल का मैदान, विद्यालय। तो बालक के सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास के लिए इसका आंसर होगा आस पड़ोस। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया था? इसका आंसर है फ्रेडरिक फ्रोवेल ने। एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, यह सही नहीं है। अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है? वंशानुगत कारणों से, शारीरिक कारणों से, वातावरण संबंधी कारणों से, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी। विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि के योगदान के लिए जाना जाता है? तो ये इसका आंसर रहेगा प्रोजेक्ट विधि। इसके जनक कहते हैं इसको, इनको सॉरी। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है? अच्छे आदतें डालने में पाठ्य सगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, एक आदर्श के रूप में पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा, उपरोक्त सभी। तो ये इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। बच्चों खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। बुद्धि, सृजनात्मक, संवेग, परिपक्वता। तो इसका आंसर संवेग हो सी। चलिए दोस्तों, ये बाल विकास का मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया।
अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं दोबारा कहता हूँ, मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं एक बार और फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो आंसर जो दिया गया है वो व्यापम द्वारा नहीं दिया गया है, तो जब तक व्यापम का आंसर ना आ जाए तब तक इनको पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता। धन्यवाद।